हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। अक्सर मैंने ऐसी एक चीज़ नोटिस की है कि जिसमें ना लोग फैंसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में, जिनकी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत भी नहीं होती है, ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो मेरा ऐसा बोलना है कि हर एक व्यक्ति अलग अलग कॉस्मेटिक्स यूज़ करता है, राइट? तो इसमें ऐसी भी चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करेंगे, ये करेंगे, फिर आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, या फिर अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक्स यूज़ करेंगे फिर उससे स्किन ग्लो करने लगेंगी, तो ऐसी चीज़ नेसेसरी नहीं है। क्योंकि आप जो घर की जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बहुत सुंदर दिख सकते हैं। इनको अगर आप सही तरीके से अगर यूज़ करने लग जाए तो इसके रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और मैंने एक चीज़ और एक नोटिस की है कि जब हम मेकअप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी और टोनर या फिर टोनर से अपने को चेहरा मतलब क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद में हम उसके ऊपर मेकअप सब स्टार्ट करते हैं, राइट? प्राइमर हो गया, फाउंडेशन हो गया, ये सब चीज़ें, ओके? तो इसमें क्या है ना, सीरम या फिर जो टोनर बोलते हैं हम, तो टोनर तो मार्केट में तो बहुत अलग 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 ब्रांड के अवेलेबल हो जाते हैं टोनर, लेकिन उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़े केमिकल्स ज़्यादा रहते हैं, या फिर वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मतलब अगर आप उसे कहीं पार्टी में जा रहे हैं, फिर मेकअप के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं कुछ, मतलब कभी कभी अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, आपकी स्किन को उससे कुछ ना कुछ नुकसान ही होने वाला है। तो इसके लिए मेरा ऐसा बोलना है कि अगर आप होममेड चीज़ें अगर ज़्यादा यूज़ कर सके तो करिएगा प्लीज़, क्योंकि कैसा है, केमिकल से अच्छा है अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से अगर ग्लो करने लगेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। हाँ, मुझे पता है कि ये जो चीज़ें हम कॉस्मेटिक बाकी के जो यूज़ करते हैं उससे हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर हम होममेड जो चीज़ें हैं वो अगर लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे होंगे आपके स्किन पर कि आपकी एज भी उतनी नहीं लगेगी, मतलब रिंकल्स आना कम हो जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए मैंने एक आपके लिए मैं एक रेमेडी लाई हूँ जो कि होममेड टोनर रहने वाला है, मतलब स्किन टोनर जो आपको मेकअप के स्टार्टिंग में यूज़ करना है। ये चीज़ ऐसी है कि आप डेली भी टोनर बोल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इससे चेहरा भी क्लीन कर सकते हैं आप। अगर रात को सोते टाइम आप सोने को जा रहे हैं फिर इसे स्प्रे करके आप क्लीन कर लीजिए कॉटन से, या फिर रुमाल आप जो भी यूज़ करते हैं अपने फेस के लिए उससे वाइप ऑफ कर लीजिए और आपका चेहरा बहुत ग्लो करने लगेगा। और ये चीज़ें थोड़ी होममेड होने वाली हैं, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। हमें इसमें फर्स्ट चीज़ जो यूज़ होने वाली है, हम यूज़ करने वाले हैं इसमें पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे, एलोवेरा जेल, ओके? ये तो नॉर्मली सबके पास ही रहेगा आई गेस, ठीक है? फर्स्ट इंग्रेडिएंट ये होगा, और सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा रोज़ वाटर, राइट? रोज़ वाटर, ये दोनों चीज़ें से ना हम एक स्किन टोनर बनाएंगे, राइट? ये आपको मेकअप में यूज़ होने वाला है, राइट? चलिए फिर हम ना आज की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं, राइट? तो ये जो मैंने है ना रोज़ वाटर अप्सरा का लिया है गुलाब जल, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जिस भी ब्रांड का हो, श्री श्री का हो या फिर अलग कोई सा ब्रांड आप जो यूज़ करते हो मेरा, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो मैंने ना, मेरे पास एक एम्प्टी कंटेनर, मतलब ये था स्प्रे बॉटल थी मेरे पास जो कि गुलाब जल की थी, वो मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें, राइट?
तरीके से मैंने ओपन कर लिया। इसमें आप जितना चाहते हैं कि आपको टोनर आपको बनाना है उतना यूज़ करिएगा। बस मैं इतना यूज़ कर रही हूँ। मैं ये चीज़ डेली यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैं इतना कर रही हूँ, मतलब रोज़ यूज़ हो जाएगा, चेहरा क्लीन करने के हिसाब से भी यूज़ हो जाएगा। करीबन मैंने फुल ही बॉटल ली है, फुल बॉटल से थोड़ा कम है ये लिया, क्योंकि इसमें मुझे एलोवेरा जेल ऐड करना है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। इसे मिक्स करेंगे। देखिए ऐसी ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी। ये आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए राइट, ये आप मेकअप के स्टार्टिंग में यूज़ करिएगा, मतलब मॉइस्चराइज़र जब लगाते हैं ना उसके पहले आप यूज़ करिए, राइट। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा। मतलब फैंसी टोनर या फिर उसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ये होममेड बनाएं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम रहेंगे क्योंकि ये बहुत माइल्ड सा एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है आपके पास में, तो आप ये यूज़ करके देखिएगा। मुझे लगता है मतलब जो टोनर वगैरह होते होंगे वो 200, 300, 400 जैसे हम लेना चाहें वैसे वैसे कंपनी के हैं, राइट। तो इतने फैंसी लेने से अच्छा है, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते कॉस्मेटिक्स में तो ये चीज़ यूज़ करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इससे स्किन में थोड़ी चमक भी बढ़ना चालू हो जाएगी अगर आप डेली यूज़ करेंगे तो, राइट। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको अगर ये बहुत वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।